व्यवस्था पूरी है, सुरक्षा चाक चौबंद है और इन सब के बीच तकरीबन अब से आप कह सकते हैं 1.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जबकि मतगणना शुरू हो जाएगी और खास तौर से चार राज्यों में, उन चार राज्यों में एक मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, जो इन चार विधानसभाओं में जहां पर चुनाव हुए हैं, नतीजों पर बीजेपी दांव पर लगी हुई है क्योंकि वहां पर शिवराज सिंह चौहान है और ये माना जा रहा है कि वो हैट्रिक मारते हैं नहीं मारते हैं इसको लेकर अलग अलग तरीके की बेचैनी है। लेकिन एक सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता बीते दिनों जिस तरीके से संभाली है उसमें उनका कद लगातार बढ़ता चला गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वो वाकई हैट्रिक मार लेते हैं तो जाहिर है बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी के बाद या कई मायनों में आरएसएस के साथ होते हुए भी आरएसएस का एक मॉडरेट चेहरा शिवराज सिंह चौहान के तौर पर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जीत के दावे कर रही है, कोई कसर इसमें नहीं छोड़ रही है, तो इन दोनों को मिला दीजिए और इस रिपोर्ट को देखिए। शिवराज तो फक्कड़ है बहनों और भाइयों, पूरी मेहनत और ईमानदारी से मैंने जनता की सेवा की है। मध्य प्रदेश में लौटेगा शिव का राज, अपने लाल मुख्यमंत्री हमारे बीच में बना। चार राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद शिवराज सिंह चौहान के करिश्मे से है। राज्य में शिवराज सिंह की हैट्रिक लगेगी या नहीं ये तो थोड़ी देर बाद शुरू हो रही मतगणना से साफ हो जाएगा, लेकिन जीत के दावे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरे जोर से कर रही है। जनता की बात पहुंची है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में बहुत काम किए हैं और आगे भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए जाने की जरूरत है। विभिन्न सर्वे से जो बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 43% से ज्यादा वोट लेने जा रही है, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को करीब 2/3 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को जनादेश मिल रहा है और 125 से 135 के अधिक सीटें कांग्रेस की आ रही है और सरकार बन रही है। एमपी में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान की छवि विकास पुरुष की है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी राज्य में जमकर दम लगाया है। बूटों में बटी पार्टी ने देर से ही सही लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान देकर संकेत दे दिया कि जीत के लिए जमकर जोर लगाएंगे। चुनावी सर्वे में मध्य प्रदेश में बीजेपी के लौटने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बीजेपी के लिए मुश्किल भी हो सकती है। शायद कांग्रेस के दावे का यही सबसे बड़ा आधार है। अमित कुमार, भोपाल आज तक।